राम, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं शीराज खान, सोशल एक्टिविस्ट। आप तमाम तेलंगाना के सारे इंडिविजुअल्स, एनजीओस, प्रोटेस्टर्स और बड़े बड़े तंजीमों ने, जिन्होंने अभी तक हजारों की लाखों की तैदाद में लोगों को कॉल किया था मिलियन मार्च के लिए, टीएस एंड एपी जैक कमेटी के कन्वेनर मुश्ताक मलिक साहब और तमाम 40 ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वॉल्व है, और दूसरी तरफ एक नई पॉलिटिकल पार्टी है तारिक खादरी साहब की जो AIMIM है, और दूसरा जो सेकेंड इवेंट बहुत बड़ी तादाद में हैदराबाद में जो मुनक्किद हुआ था मीर आलम ईदगाह से शास्त्रीपुरम पर, जो मुस्लिम यूनाइटेड एक्शन कमेटी की जानिब से, जहां पर MIM भी मुनक्किद की गई थी MIM के ज़रिए, और तमाम वुमेन एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ के युवा लीडर्स और घर में बैठे तमाम आम लोगों से, हर फैमिली से, हर बच्चे से, बूढ़े से, मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारे रियासत के मुख्यमंत्री, बहुत दिन हो गया है मुसलसिल लाखों की तादाद में लोग बाहर आकर ये मांग करे हैं कि CAA और NRC के मुखालिफ एक रिजोल्यूशन पास किया जाए और हमें इत्मीनान और मुतमाइन दिलाया जाए कि हमारी रियासत में ये बिल नाफिस नहीं होगा। लेकिन मुसलसिल एजिटेशंस, प्रोटेस्ट के बाद भी मुख्यमंत्री KCR साहब अभी तक कोई ऐसा ऐलान जारी नहीं करे हैं, इसीलिए हम KCR साहब से मांग करने के लिए सख्ती से मैं ये ऐलान करना चाहती हूँ कि हमने ये तय किया है लीडर्स ग्रुप ने कि एक भूख हड़ताल, जहाँ पर हंगर स्ट्राइक इनडेफिनेट CAA और NRC को लेकर बैठी जाएगी, और मैं एक कॉल कर रही हूँ कि आप तमाम लोग जो CAA और NRC के मुखालिफ करते हैं और चाहते हैं कि ये संविधान के खिलाफ जो कानून बनाया गया है और हमारे हिंदुस्तान को जब बचाना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए इस हंगर स्ट्राइक में। अनखरीब इसकी डेट आपको इत्तला की जाएगी। जय हिंद।